जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन को श्री कृष्ण जयंती या फिर जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में मीरगंज शहर के नरनिया श्री राम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति श्री राम जानकी मंदिर नरनिया में इस साल भी हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं और चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी से पूरे विश्व को छुटकारा मिले, पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए। जय। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ऐसे तो जन्मोत्सव सब जगह कल ही मन चुका है, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम लोग रोहिणी में भगवान का जन्म मनाते हैं। ऐसा मान्यता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था मध्य रात्रि को। आज रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है मध्य रात्रि में, इसीलिए हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और कोरोना के चलते उतना भीड़ यहाँ पर नहीं जुट सका है, हर्षोल्लास में कमी आ गई है। जो सदस्य लोग हैं वही मिलजुल करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं और भगवान से हम लोग यह प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करें और सब पर अपनी कृपा प्रसाद करें। जय जय श्री कृष्ण।